अच्छा जी, कोला नट वॉज मिक्स विद एलिगेटर पेपर, ठीक है, एलिगेटर पेपर के साथ इसको जो है मिक्सअप किया जाता था और ईटन, और उसको खाया जाता था। और ये कोला नट जो है बेसिकली जब भी कोई मेहमान आता था वो इसको जरूर, वो कोला नट जरूर देते थे। जैसे हमारे पेप्सी जो है वो बहुत ज्यादा मेहमानों के लिए इम्पोर्टेंट है, यहाँ पे कोला नट हुआ करता था। This was served as an appetizer as part of the welcoming ritual. ये welcoming ritual थी, कोई भी घर आता था तो उसको इस तरह से जो है welcome किया जाता था। फिर alligator pepper has a spicy flavor in the seeds. ठीक है, ये जो ये है जनाब alligator pepper, ठीक है, ये जो है इसकी एक spicy flavor होता था इसके seeds में, ये इसका seed है। It was used by a seasoning by mixing it with cola nut. और इसको जो है seasoning के लिए, जैसे हम काली मिर्चें छिड़क लेते हैं सूप के ऊपर, तो इसको seasoning के तौर पर इस पर डाला जाता था। ये देख लें जनाब, boy with cola nut. और cola was mixed and served in this type of bowl. ये इस तरह के बाउल में उसको जो है वो सर्व किया जाता था, मिक्स किया जाता था। आगे देखते हैं religious ceremonies. ये that is very important. The people of Yumofia believed in many gods. Ghost, ancestral spirits, and even believe certain animals were sacred. ये जो लोग थे ना यूमोफिया के, वो बिलीव करते थे बहुत सारे खुदाओं पे, भूतों पे, ancestral spirits. उनको लगता था कि ये जो हमारे अबाओ अजदाद है उनके जो स्पिरिट्स हैं वो जिंदा हैं, ठीक है। और हमने पहले भी इस चीज पे पढ़ा था कि ancestral spirits जो हैं वो, जैसे हमने ये जो हमारा पहले नॉवल गया है हार्ट ऑफ द डार्कनेस, उसमें हमने देखा कि वो जो स्पिरिट होता है वो उसको किल करने की कोशिश करते हैं, किसके जो वहाँ का जो बादशाह होता है, यानी कि कर्स जो होता है उसके स्पिरिट को किल करने की कोशिश करते हैं कि कहीं वो हमारे हाथ से निकल ना जाए। तो वो एंसेस्ट्रल स्पिरिट्स के ऊपर यकीन करते हैं, इवन बिलीव सर्टन एनिमल्स वर सेक्रेड। और उनको ऐसे लगता था, उनका ये बिलीव था कि बहुत से ऐसे एनिमल्स हैं जो कि सेक्रेड है, होली हैं। They prayed to their ancestors and also had a chai or personal god. अपने ancestors को वो पूजा करते थे। They revered the python as the most sacred animal. और python को वो most sacred animal consider करते थे and called a rainbow the python of the sky. और rainbow को वो कहते थे कि वो python of the sky है। फिर उनके ये देखें जनाब ceremonial mask हैं। ये mask देखिएगा इसका, the egwuwu were the leaders of the community. अच्छा, यहाँ पे देखें ये एग्वूफू कौन थे। तो एग्वूफू जो थे वो लीडर्स थे कम्युनिटी के, ठीक है। और ये क्या करते थे, कबीलों का, जैसे हमारे यहाँ पे पंचायत सिस्टम है ना, बहुत सारे कबाइल में पंचायत सिस्टम होता है, ये पंचायत होती थी, ठीक है। ये डिसाइड करते थे कि किसके साथ क्या करना है, यानी कि दो जब कबीलों के दरमियान कोई फसाद हो जाता था तो ये एग्वूफू बैठते थे, ये पंचायत बैठा करती थी, और फिर वो ये मास्क पहन लिया करते, ठीक है। उनको एग्वूफू कहा जाता था, जो जो ये मास्क पहनता था और उस पंचायत में बैठता था उसको एग्वूफू कहा जाता था। और ये डिस्प्यूट्स जो है वो उसको करते थे कि किस तरह से इन डिस्प्यूट्स को हल करना है। द वीमेन वुड बी अफ्रेड ऑफ द एग्वूफू इवन दो दे न्यू देयर मेन वर नॉट प्रेजेंट एट द सेरेमनीज एंड हैड टू बी द एग्वूफू, ठीक है। और वीमेन जो है वो इतनी ज्यादा डरती थी एग्वूफू से, जाहिर बात है वो जो पंचायती होते हैं उनसे बड़ा गाँव के लोग डर रहे होते हैं कि कहीं हमारे खिलाफ कोई पंचायत हमारे खिलाफ जो है फैसला न करते। इवल फॉरेस्ट वॉज द लीड एग्वूफू इन थिंग्स फॉल अपार्ट। और वो जो इवल फॉरेस्ट था, याद है हमने किसमें पढ़ा था, रिटर्न ऑफ द नेटिव में पढ़ा था ना हमने, कि वो जो है अपने उसको वो लोग पेगन्स थे और वो अपनी जो बॉडी है उसको जो है छोड़ आते थे गॉडेस ऑफ अर्थ के पास और जंगल में छोड़ आते थे। इसको यहाँ पे ईवल फॉरेस्ट, ये वही वाला ईवल फॉरेस्ट है, बिकॉज दे वर द पेगन्स, ठीक है। ये पेगन्स थे और ये प्राइमिटिव्स थे और ये उस तरह के कल्चर को फॉलो किया करते थे। नेक्स्ट चलते हैं, द एल्डर मीटिंग द एग्वूफू आर इन मास्क। ये देखें जनाब, ये एग्वूफू देख लें, ये इनकी पंचायत बैठी हुई है और इस तरीके से ये सब मास्क में बैठे हैं। बॉय ऑफ द विलेज, इट वॉज इम्पोर्टेंट टू इंक्लूड बॉयज इन डेली रिचुअल्स। और इम्पोर्टेंट था बॉयज जो है वो डेली रिचुअल्स में वहां पे मौजूद होते थे, ठीक है। और ये देखें, ये पीछे एक बॉय को किल भी कर दिया इन्होंने, बलि दी जाती थी यंग लड़कों की, ठीक है। आगे चलते हैं, दे वुड मेक कॉम्युनल डिसीजंस फॉर द आइबो पीपल सच एज सेटलिंग प्रॉपर्टीज, प्रॉपर्टी डिस्प्यूट, डिसाइडिंग वेदर टू गो टू वॉर। ये एग्वूफू जो थे
ये देख लें लोगों ने क्या पहना हुआ है. और ये जो है आइबो सोसाइटी के जितने भी मसले मसाइल थे, डिस्प्यूट्स थे, उनको हल किया करते थे. रादर वॉर होगी नहीं होगी, हमला करना है नहीं करना, तो ये ऐसा करते थे. फिर यहाँ पे देखें जॉ मास्क एंड अदर फॉर्म ऑफ सेरेमोनियल मास्क. ये इनके सेरेमोनियल मास्क थे, ये देख लें मास्क एंड आइबो. सेरेमोनियल ड्रेस देख लें इनका कुछ इस तरह का हुआ करता था. ड्रिंकिंग पाम वाइन फ्रॉम अ ह्यूमन स्कल, ये इंसान की खोपड़ी है ठीक है, और इसके अंदर वो पाम वाइन जो है ह्यूमन फ्रॉम अ ह्यूमन स्कल वाज पार्ट ऑफ रिलीजियस सेरेमनीज. ओकोनको हैव फाइव स्कल्स टू हिज क्रेडिट. ओकोनको को फाइव ह्यूमन स्कल्स मिले थे, पांच खोपड़ियां मिली थी ठीक है फॉर क्रेडिट, यानी कि उसने पांच खोपड़ियां जीती थी. विलेज लाइफ, और उसके अंदर मतलब उसको ये शराब दी जाती थी. द विलेजर्स वर फाइटर्स, वॉरियर्स, फार्मर्स एंड क्राफ्टमैन ठीक है. वो वॉरियर्स भी थे, फार्मर्स भी थे, क्राफ्टमैन थे. द मेंस क्रॉप वाज याम ठीक है, मेंस की क्रॉप जो थी वो याम थी. जिसके पास याम होती थी ना वहां पे, जिसके पास याम क्रॉप होती थी उसको सबसे ज्यादा, उसको द किंग ऑफ द क्रॉप, ये किंग ऑफ द क्रॉप थी याम. और जिसके पास याम होती थी उसको उस विलेज का सबसे अमीर कबीर बंदा समझा जाता था. वीमेन्स क्रॉप्स वर कोको याम्स, और वीमेन क्रॉप्स जो थी वो कोको याम्स थी, बीन्स थी एंड कैसावा. ये वीमेन्स क्रॉप थी, और मेन्स क्रॉप जो थी वो याम थी ठीक है. तो ये इस तरह से आइबो होम लाइफ इज ऑल्सो वेरी स्ट्रक्चर्ड. ये देख लें जनाब आइबो हट बना, और टिपिकली द हस्बैंड इज द हेड ऑफ द हाउस होल्ड. ही ऑल्सो एक्सेप्ट हिज रिस्पॉन्सिबिलिटी टू हिज कम्युनिटी. इट इज ऑफ इक्वल इम्पोर्टेंस टू टेंड ऑफ बोथ द फैमिली एंड द विलेज. आइबो पीपल यूजली हैव अ वेरी एक्सटेंडेड फैमिलीज, इट इज अ पार्ट ऑफ देम एज पीपल. उनकी बहुत बड़ी बड़ी फैमिलीज होती थी, और कई कई बीवियां होती थी. एंड आइबो बिल्डिंग ये देख लीजिएगा. Proverbs, yes, that is the oral culture there. Storytelling proverbs. Proverbs are the palm oil with which words are eaten. ठीक है, ये चिनिया एशीबे ने कहा था कि proverbs जो है वो palm oil है जिसके साथ आप words को eat करते हैं. यानी कि proverbs की वजह से इंसान के अंदर एक harmony पैदा होती है. वो जो words हैं वो swallow करने में आसान हो जाते हैं. यानी कि एक पूरी जो statement है वो हजम करना आसान होती है अगर वो proverbian हो, उसके अंदर प्रोवर्ब्स ठीक है, टिट फॉर टैट ठीक है, जैसा करोगे वैसा भरोगे, सांच को आंच नहीं ठीक है, एवरी क्लाउड हैज अ सिल्वर लाइन, और चांद के दो रुख होते हैं, डार्क एंड द लाइट. तो इस इन प्रोवर्ब्स की वजह से क्या होता है कि हमें हकीकत जो है वो एब्जॉर्ब करना हमारे लिए आसान हो जाता है, या कड़वा घूंट पीना आसान हो जाता है. अमोंग द आइबो पीपल द आर्ट ऑफ कन्वर्सेशन इज वेरी हाईली रिगार्डेड. At the time the novel takes place, 1930s, the Igbo people do not use the written word. They receive their news from the town courier. A proverb is a short saying that expresses a common truth or experience. Proverbs are very important to the Igbo people. ठीक है, proverbs जो हैं वो short sayings होती हैं. ये तो आप सारों को पता ही है. जो कि proverbs आपको पता है ना कि short sayings होती हैं, कहावतें जिन्हें कहा जाता है, और express करती हैं common truth को, wisdom words होते हैं या किसी experience को. और प्रोवर्ब्स जो है वो आइबो पीपल के लिए बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है. अच्छा, लोकस्ट ये देख लें जनाब, टिड्डी दिल भी जिसे कहते हैं, या आपको ग्रास ऊपर. लोकस्ट आर रिलेटेड टू ग्रास ऊपर्स ठीक है, ये ग्रास ऊपर से रिलेटेड. दे स्वार्म एंड कैन डिस्ट्रॉय होल फील्ड एंड क्रॉप्स. द यूमोफियंस, आपको पता है अभी रिसेंटली यहाँ कराची में एक एरिया है वहां पे इनका इतना जबरदस्त किस्म का हमला हुआ अभी रिसेंट कि पूरा आसमान डार्क हो गया. ठीक है, तो ये आजकल लोकस्ट के जो हमले हैं, अब यहाँ पे भी वो देखेंगे, ये जो लोकस्ट है आर रिलेटेड टू ग्रास ऊपर. दे स्वार्म कैन डिस्ट्रॉय होल फील्ड एंड क्रॉप्स. फील्ड्स और क्रॉप्स ये डिस्ट्रॉय कर देते हैं, और उसकी वजह से क्या होता है, अगर इनका हमला हो जाए ना तो तमाम की तमाम क्रॉप्स जो है वो उजड़ जाती हैं. लोग फिर खुश साली की तरफ आ जाते हैं, उनका फसलें उनकी तबाह हो जाती है, भूख और प्यास में चले जाते हैं. यूमोफियंस कंसीडर देम टू बी डेलिकेसी, लेकिन यूमोफियंस उनको कंसीडर करते थे कि ये बी आ डेलिकेसी. दे गैदर देम इन बास्केट्स एंड देन रोस्टेड देम एंड एट देम. वो उनको बास्केट्स में इकट्ठा कर लेते थे, उनको रोस्ट करते थे और खाया करते थे. टैटूज इन अ स्कल्पचर एंड मैन, ये जनाब देख लें, ये टैटूज बनाते थे ये लोग मैन के ऊपर. कॉरी शेल्स वर यूज्ड एज मनी इन अफ्रीका, ठीक है, ये कॉरी शेल्स थे, दे वर स्मॉल एनफ टू कैरी एंड वर स्कार्स एनफ टू बी वैल्यूड. 25 bags of quarry shells were paid as bright price during the engagement ceremony in the novel. 20 bags of quarry shells jo hai wo paid kiye jate the as bright price, yani ki dulhan ki jo price hoti thi
यानी कि जब वो किसी औरत से शादी करते थे तो उस वक्त ब्राइड प्राइस दिया करते थे ड्यूरिंग द एंगेजमेंट सेरेमनी इन द नॉवल. ये देख लें जनाब, ये बड़ी महंगी होती थी. अच्छा जी, फिशिंग वन ऑफ द मेनी एक्टिविटीज डन एज कम्युनिटी. ये देख लें, ये एन इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ आइबो सोशल लाइफ. उसके बाद यहाँ पे देख लें कि ये जो है इनका पूरा दैट इज द आइबो. ठीक है, ये मेन आइबो है. अच्छा, इसकी डिफरेंट ट्राइब्स बने हुए हैं. ठीक है, कबीले हैं. ये आइबो उकू है, यूनोगो है, इडोमा है, मैकर्डी. ये क्या है, ये छोटे छोटे कबीले बने हुए हैं. और आइबो युकू और आइबो सोसाइटी, फिर हम देखेंगे कि वहां पे और भी आपके अभी चैप्टर्स आएंगे. ये देखें, यूशोबो, आईफी, एबांडा, ओवो, आइबीरा, ये सारे जो हैं ये इनके क्या हैं, नाइजेरिया के कबीले हैं जो यहाँ पे दिखाए गए. मार्केट देख लें ऐसी होती थी, टेलर और कावर भी थे वहां का. यानी कि उसने बताया कि भाई हमारा कल्चर था, ऐसा नहीं था हम कोई भूखे नंगे लोग नहीं थे, हमारा अपना कल्चर था. द ट्राइब ऑफ पीपल हु लिव इन नाइजेरिया कॉल देमसेल्व्स द आइबो. ठीक है, और वो वन ट्राइब ऑफ पीपल जो नाइजेरिया में रहते थे वो अपने आप को आइबो पीपल कहते थे. वीमेन ऑफन कैरी हैवी थिंग्स ऑन देयर हेड्स. ऐसे जनाब ये देख लें, जैसे गाँव की औरतें पाउंडिंग याम्स, ये याम्स जो है वो पीस रही है. वीमेन ऑन लेफ्ट विद सिमिलर टैटू. ठीक है, अब ये देखें, ये इनके मुंह पे टैटू बने होते थे. और द विलेज प्रैक्टिस्ड पॉलीगैमी. इन अदर वर्ड्स द मेन कुड हैव मोर देन वन वाइफ. ठीक है, ये पॉलीगैमी प्रैक्टिस करते थे. पॉलीगैमी कहते हैं कि एक से ज्यादा वाइफ होना उसको. अच्छा जी, ओकोनको फैमिली देख लें कैसी थी, जो मेन इसका कैरेक्टर था. ये ओकोनको है, ओकोनको की पहली बीवी, ओकोनको की दूसरी बीवी और ओकोनको की तीसरी बीवी. ठीक है, ओकोनको की टोटल यहाँ पे तीन बीवियां दिखाई गई हैं. पहली बीवी से तीन बच्चे थे, नॉय, ओबिजैली और एक और सन उसका बेटा था. उसके बाद एक्वीफी जो है उसकी जो बेटी थी एजिन्मा थी, और ओजोगो जो है उसकी नैशी जो है उसकी बेटी थी. नेक्स्ट आगे चलते हैं. ये जनाब इसकी देख लें फैमिली कुछ इस तरह, एक बाप और इतने सारे बीवी और बच्चे. और नेक्स्ट, यू आर इन म्यूजिंग अबाउट द रोल ऑफ नॉवलिस्ट एज एन एजुकेटर. अच्छा जी, जनरेशनल देख लेते हैं. ओकोनको वर्सेस यूनोका, ओकोनको वर्सेस नोए. कल्चरल में देख लेते हैं, ये अब हम आपका सारा ये पढ़ेंगे कि जेंडर में क्या था. सबसे पहले जनरेशनल देख लेंगे कि जनरेशन को किस तरह से कंपेयर एंड कंट्रास्ट किया गया था इसके अंदर. ओकोनको को उसने यूनोका के साथ, ठीक है, यूनोका के साथ उसने इसको कंपेयर किया था. ये न्यू जनरेशन थी जो कि उसका अपना जो है बेटा था. ओकोनको को नोए के साथ, जो कि दूसरे कबीले का एक लड़का था, ओकोनको ने इसको भी अपना बेटा बना लिया था. तो इन दोनों के साथ इसका कंपेयर था. यानी कि ओकोनको ओल्ड जनरेशन को फॉलो करने वाला था और ये दोनों न्यू ट्रेडिशन को शो कर रहे थे जो कि चेंज आते थे उस कल्चर में. कल्चरल कंपेयर एंड कंट्रास्ट में देखते हैं, आइबो को वेस्टर्न के साथ कंपेयर किया गया, ट्रेडिशन को क्रिश्चियनिटी के साथ, और एसिमिलेशन वर्सेस प्योरिटी. और जेंडर में ओकोनको वर्सेस हिज वाइफ, ओकोनको को जो है उसकी वाइफ्स के साथ कंपेयर एंड कंट्रास्ट किया गया. इनर देखते हैं, ये कॉन्फ्लिक्ट्स हैं जो इसके दिखाए गए थे, इनर कॉन्फ्लिक्ट्स में ओकोनको वर्सेस हिमसेल्फ. ओकोनको आउटर साइड पे कैसा था और इनर साइड पे कैसा था, उसके इनर फियर्स कैसे थे, इस पूरे नॉवल के अंदर आपको वो दिखाया जाएगा. द ट्रेजिक हीरो जो कि ओकोनको जो था वो कौन था. एंजॉयस एन एग्जॉल्टेड पोजीशन इन सोसाइटी आइदर बाय बर्थ और एक्स्ट्राऑर्डिनरी अचीवमेंट्स. उसने एक एग्जॉल्टेड पोजीशन जो है वो अपनी गुजारी थी, और किस तरह से, आइदर बाय बर्थ या उसकी एक्स्ट्राऑर्डिनरी अचीवमेंट की वजह से. डेमोंस्ट्रेट विजडम, मोरल और फिलोसॉफिकल ग्रेटनेस, समटाइम्स फिजिकल पॉज. Adheres to and exemplifies a code of conduct including reverence toward the laws of God and the universe, loyalty to the family and respect for government. Possesses a flaw in personality or psyche that ultimately brings about total destruction. ठीक है, उसके अंदर एक flaw था उसकी personality में. आप ओकोनको की personality से, ओकोनको के character से देखेंगे कि एक जब एक ऐसा इंसान जो कि बिल्कुल ही गरीब फैमिली से था, जिसका जो बाप था वो किसी काम का नहीं था सिवाय इसके कि वो लोगों से कर्जे लेता था और इनडेप्टेड था, और इनडेप्टेड होके ही वो मर गया. और उस फैमिली की सबसे ज्यादा जो एक होता है ना
उस फैमिली का सबसे ज्यादा डाउनफॉल उसके बाप की वजह से था। ओकोनको के दिमाग में एक फियर बैठ गया था, फियर ऑफ फेलियर, कि अगर मेरा बाप फेलियर है तो मैं भी फेलियर हो सकता। उसको उसने जो है उसके साथ फाइट करते करते फाइनली ओकोनको एंड पे हार गया। ठीक है, ओकोनको भी एक फेलियर हुआ एट द एंड अपने फादर की तरह, लेकिन उसने बीच में एक बड़ी एग्जॉर्टेड पोजीशन इन सोसाइटी जो है वो अपनी बना ली थी। लेकिन द थिंग इज दैट बेटा, कामयाब होना आसान काम है शायद किसी हद तक, बहुत लोगों को अल्लाह ताला कामयाबी देते हैं। उस कामयाबी को बरकरार रखना, उसमें आपके अंदर एक जो आजी इंतजारी आना, ये बहुत बड़ी बात होती है। मैं अपने सर के घर गई, मेरे सर जो हैं, मेरे जो उस्ताद जिन्होंने मुझे पढ़ाया, आजकल वो मक्का में होते हैं। रिसेंटली मेरा वहाँ पे चक्कर लगा, आप यकीन करें मेरे उस्ताद वो उस्ताद हैं जो कि एक मट्टी के घर में रहते हैं, ठीक है, वो एक गरीब फैमिली से ताल्लुक रखते हैं, और आज उनके घर में इतना इतना खूबसूरत उनका घर है, शायद मेरा भी इतना खूबसूरत नहीं था। अल्लाह ताला ने उनको मक्का में जगह दी, माशाल्लाह ही इज़ वेरी जीनियस पर्सन और बहुत ही मल्टी टैलेंटेड इंसान है, जिन्होंने मुझे फोर्थ क्लास से एट टेंथ क्लास तक पढ़ाया। आज मैं जो भी हूँ मैं अपने उस्ताद की वजह से, मुझे यहाँ तक पहुँचाना, नमाज दुपट्टा कवर कैसे करना है अपने आप को, औरत क्या होती है, ये सारी चीज़ें मुझे मेरे उस्ताद ने सिखाई और एक मेल टीचर ने सिखाई। एक औरत सिखाती तो शायद एक डिफरेंट इम्पैक्ट होता, मुझे मेरे मेल टीचर ने ये बताया कि तुम किसी की बीवी हो, ठीक है। तो दैट इज़ द थिंग कि ये सारी चीज़ें, ये सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज मुझे मेरे उस्ताद ने सिखाई। आज जब मैं उनके घर में गई, अभी रिसेंटली रमज़ान में गई थी, तो बाय चांस सर ने हमें होटल में स्टे नहीं करने दिया, हम उनके घर पे रहे, और लिटरली आई वाज जस्ट शॉक्ड बाय सीइंग दैट कि सर के घर इतना खूबसूरत फर्नीचर है, इतना खूबसूरत उनका फ्लैट है, और वो मक्का टावर्स की बुकिंग्स वगैरह करवाते हैं, उनकी वहाँ पे अपना बिजनेस है मक्का में, और ही इज़ माशाल्लाह वेरी वेल ऑफ, इतने वेल ऑफ है कि लोगों के पेट भरते हैं। और मैंने उनको ज़मीन पे सोते देखा, मैंने उनको ज़मीन पे बैठ के इबादत करते देखा, मैं हैरान रह गई कि नॉर्मली मैंने गरीब लोगों को जब देखा है ना, कि जब अल्लाह उनको इज्जत देता है तो वो अपना आप ही भूल जाते हैं, वो समझते हैं शायद हमारी वजह से सारा कुछ हुआ है, वो अल्लाह को भूल जाते हैं। मैंने अपने उस्ताद में, बहुत बड़ी बात है कि आपके पास एक बिस्तर है और वो आराम दे और आप ज़मीन पे सोते, ठीक है, आपने अपनी फैमिली को हर चीज़ दी हुई है लेकिन आप खुद ज़मीन पे सोना पसंद करें, तो ये एक बहुत बड़ी बात है। मैंने सर को ज़मीन पे बैठे हुए तस्बीह करते देखा और सर ने एक ही बात समझाई कि बेटा अल्लाह ताला के साथ आज भी आपका ताल्लुक कैसे होना चाहिए। मैंने कहा सर 20 साल बाद आपकी कंपनी में ली, अगेन वो एक जो मैंने बचपन से आपसे बातें सीखी थी, मैं तो यही सोच रही थी कि सर तो अब चेंज हो गए होंगे क्योंकि पैसा जो आ गया, लेकिन ही इज़ लिटरली और भी ज़्यादा डाउन टू अर्थ। और मुझे उन्होंने यही सिखा के बेटा भेजा कि बेटा आसमा लोगों के पेट भरने, आसमा लोगों की जो है ना उनकी जो विशेज है ना वो पूरी करनी। तो आई वॉज जस्ट, और सर ने कहा वो विश ऐसे पूरी नहीं होती कि कोई आपसे 1,000 रुपया मांगे आप उसको 1,000 दे दें। सर ने कहा लोगों के पेट भरने, उनको जो है इस तरह से उनको पैरों पर खड़ा कर दें जो वो चाहते हैं उनको करने दें, उनको मोटिवेट करें, अपने स्टूडेंट्स को मोटिवेट। तो दैट इज़ द थिंग जो मुझे पुश करती है कि अच्छा मेरे उस्ताद ने मुझे ये चीज़ सिखाई, मैंने इस चीज़ को छोड़ना नहीं और यही चीज़ मैं आगे प्रमोट कर रही हूँ। तो बेसिकली ये आज आपको जो मैम आसमा नज़र आती है ये अपने उस्ताद की वजह से, मैं इन टेक आई एम नॉट, मैं अपनी वजह से कुछ भी नहीं हूँ, सबसे पहले मेरे अल्लाह की ज़ात है, उसके बाद मेरे अल्लाह ने मुझे बहुत अच्छे एल्डर्स दिए, मुझे बहुत अच्छे उस्ताद दिए, मेरी नानी उनको मैं बहुत ज़्यादा फॉलो करती, बहुत डाउन टू अर्थ थी, बहुत आराम से बात करती थी, उनको मैंने कभी गुस्से में नहीं देखा। दादी को अर्ली मॉर्निंग, नानी की को दादी को अर्ली मॉर्निंग तिलावत करते देखा था, आजकल के नौ नाना नानी दादा दादी मैंने नहीं देखे, लेकिन मेरे नाना नानी दादा दादी ऐसे दादी और नानी और नाना दादा कहानियाँ सुनाया करते थे, बड़े सगीर की कहानियाँ और ये वो। तो दैट इज़ द इम्पैक्ट ऑफ योर होल एल्डर्स, और सबसे ज़्यादा जो मेरे ऊपर असर हुआ वो मेरे उस्ताद का, वो मेरे अल्लाह ने भेजे मेरी ज़िंदगी में, और अल्लाह का बड़ा करम है कि मुझे अच्छे उस्ताद मिले। ये तो एक है, मैं गिनवाना शुरू करूँ तो कई आए ज़िंदगी में, और आज जो मैम आसमा आपको मिली हैं वो अल्लाह के करम की वजह से मिली,
और इन उस्तादों की वजह से आज मैं जो भी हूँ अपने उस्तादों की वजह, मैं अपने उस्तादों का जो हक है वो कभी कभी भी नहीं उतार सकती। मैं चाहे जो मर्जी कर लूँ, मैं उनकी जितनी भी उनकी एडवाइसेस हैं मैं सारी, मुझे आज भी याद है अपने उस्तादों की एडवाइसेस। सर को मैंने रिमाइंड कराया, सर आपने मुझे ये एडवाइस की थी, आज भी मैंने अपने मेरे दिमाग में बैठी हुई है, मैं कभी नहीं भूली वो आपकी एडवाइस। एक मेरी जिंदगी में एक शेर था, सर सुना रहे थे, सर शेर बोला करते थे तो मैं लिखा करती थी। एक मेरी जिंदगी का शेर था जो सर बोल रहे थे तो मुझे वो शेर ऐसे लगा जैसे मेरे बारे में और मेरे अंदर कोई खामी है, तो मैं एकदम ना मेरी हाथ रुक गया था। और उस दिन से आज तक 20 साल तक मैं ये सोचती रही कभी सर मिले तो सर को कहूंगी सर ये शेर पूरा कर दीजिएगा, मैंने उस वक्त लिखा नहीं था। तो रिसेंटली मैंने सर को कहा सर वो एक शेर था कि कभी अपने पता नहीं कतबे भी पढ़ा कर और इस तरह से कहीं तेरा हंसना तुझे बर्बाद ना कर दे। मैंने कहा सर ये आपने पूरी मुझे नज़म सुनाई थी, मैं उस दिन लिख नहीं सकी थी, काइंडली आज मुझे लिखवा दे। तो 20 साल बाद सर ने मुझे लिखवाया और सर बड़े हैरान हुए कि आसमा आपको वो याद है। मैंने कहा जी सर याद। और वो बड़ी ही खूबसूरत एक नज़म थी, पता नहीं किस राइटर की थी, तो तेरा हंसना कहीं तुझे बर्बाद ना कर दे, ठीक है कभी हमें कतबे भी पढ़ने चाहिए मुर्दा लोगों के, तो हमारा हंसना कहीं हमें बर्बाद ना कर दे। ले सांस भी आहिस्ता के नाजुक है बड़े काम, इतने नाजुक है हमारे काम कि हम छोटे छोटे काम भी करें, मतलब एक हमारा अमल भी हमारे लिए आजमाइश भी बन सकता है, अजाब भी बन सकता है और हमारी कामयाबी भी बन सकती है। सो ले सांस भी आहिस्ता के नाजुक है बड़े काम, अपने वक्त की कदर करें, अपनी नजर की हिफाजत करें, अपने किरदार की हिफाजत करें। अभी तो आ गया, लेकिन उस्ताद बेटा कोई कोई होता, हर कोई उस्ताद नहीं होता, डिग्री होल्डर उस्ताद नहीं, उस्ताद कोई कोई होता। और वो उस्ताद होता है जो आपका वे ऑफ जो एक परसेप्शन ऑफ लाइफ है वही चेंज करता है। मेरे उस्ताद ने मेरे जीने का अंदाज ही बदल दिया, नहीं तो कहाँ, मतलब आपको पता है मेरे अमीरों के बच्चे फिर किस तरह के, उनकी तो अमीरी खत्म हो गई। तो मैंने तो अपने उस्ताद को देखा था कि यहाँ पे पहुंचने के बावजूद, आपको पता है ये जितने भी बड़े बड़े सर, सब सर से अपनी बुकिंग करवाते हैं, सब उनके पास जाते हैं, लेकिन मजाल है मैंने सर के अंदर कोई देखा, स्टिल उनकी नजरें नीची होती हैं। ये नजरें झुका के चलना मैंने अपने उस्ताद से सीखा, ये बेटा कहना मैंने अपने उस्ताद से सीखा। मेरे सर की आदत थी कि वो बेटा कहते थे, हालांकि ही वॉज वेरी यंग एट दैट टाइम, एफएससी के स्टूडेंट थे, सेकेंड ईयर के स्टूडेंट थे, बट बेटा कहना मैंने उनसे सीखा। मैंने अभी भी सर को कहा, मैंने कहा सर मुझे आदत पड़ गई है बेटा कहने की हर किसी को, तो सर ने कहा अच्छा ही बोलती है ना, बुरा तो नहीं बोलती, तो अच्छी बात है बेटा कहना गांधी तो नहीं। मैं कह बाजू का सर ऐसे हो जाता मेरे से बड़ी उम्र की खवातीन होती है उनको भी बेटा कह देती हूँ, तो सर कहते तो आपका तो शागिर्द ही हो गया ना, अच्छा ही कहती है ना, गांधी तो नहीं देती। तो दैट इज द थिंग। तो बाजू का बेटा आपकी जिंदगी में आप भी कल को अपने जो छोटे हैं ना उनके लिए एक मिसाल बनी, और वो आप तब बनेंगे जब आप इस फार्मूला के ऊपर अपनी जिंदगी में अप्लाई करेंगे कि ले सांस भी आहिस्ता कि नाजुक है बड़े काम, ये बड़े नाजुक काम है, अपने कैरेक्टर की, अपनी सोच की, अपनी जबान की हिफाजत करें। ठीक है, हजरत अली ने कहा था ना कि अपनी सोच की हिफाजत करो, सोच अल्फाज बन जाते हैं, अपने अल्फाज की हिफाजत करो, अल्फाज किरदार बन जाते हैं। ठीक है, एक औरत वो कह रही होती मैं इसको किसी दिन सुना दूंगी सुना दूंगी सुना दूंगी, एक दिन वो सुना ही देती है और ऐसी सुना दी है कि अगली पिछली पूरी भी होती है बल्कि जुर्म की इंतहा हो जाती है। तो इसलिए अपनी सोच की हिफाजत करो, बुरी सोच आनी ही ना आए, आपको डिस्टर्ब करेगी। जब वो सोच आप बार बार सोचते रहेंगे सोचते रहेंगे सोचते रहेंगे फिर वो जबान पे आना शुरू हो जाता है, और जब वो जबान पे आता है तो वो आपका किरदार बन जाता है। तो एक्चुअली क्या मैंने आपको स्टार्टिंग मैंने लेक्चर आज यूं किया था कि मैं अपने स्टूडेंट्स के माइंड्स के ऊपर जो है ना मेहनत करती हूँ। ठीक है, तो बेटा अपने अपने माइंड्स के ऊपर मेहनत करें, अपने सबकॉन्शियस पार के ऊपर मेहनत करें, देखें जिंदगी आपको कहाँ लेके जाती है, एंड हैव फेथ ऑन अल्लाह। ये ट्रेजिक फ्लॉ है इंसान के डाउनफॉल का बायस बनता है, जो हम कौन को के एंगर के बारे में और ये सारा कुछ पढ़ेंगे इंशाल्लाह।
ठीक है, तो एंगर को जिंदगी में नहीं लेके आना, नाराज नहीं होना किसी के साथ, ठीक है, खुश खुश रहना। दुआ पढ़ लेते हैं, सुभानकल्लाहुम्मा वबिहम्दिका अशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता अस्तगफिरुका वअतूबु इलैक। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।